गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास. स्टूडेंट, आज हम डिस्कवरिंग बुक के पार्ट 4 अनारको का सातवां दिन, यानी स्कूल में जो इसका सातवां दिन है उसके बारे में ये पार्ट है. तो स्टूडेंट ये पार्ट रीड करेंगे. इससे पहले ये चित्र देख रहे हो, उसमें क्या है स्टूडेंट, इसी में ये जो अनारको नाम की लड़की है वो अपने किकू जो दोस्त है, किकू के शहर में कार रेस प्रतियोगिता रखी गई है. उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है दोनों ने. आइए देखिए रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करते हैं वो. ये जो वर्ग पहली, जैसे आप शाम सीढ़ी खेलते हो उस तरह दी हुई है स्टूडेंट. तो इस वर्ग पहली के माध्यम से ऐसे शब्द आएंगे जैसे आप लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो. जैसे लिंग आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पुलिंग और स्त्रीलिंग. चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या है. नए शब्द, ये शब्द अर्थ सहित है स्टूडेंट. आप इनको रीड करोगे और लर्न करोगे स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट है अनारको का सातवां दिन. इसमें क्या है स्टूडेंट, इस लेसन में क्या है कि जैसे बच्चे बचपन में अपनी ऐसी बातें कर देते हैं, जैसे कई बातें ऐसे एक ही बात को दोहराते रहते हैं और नटखट होते हैं, जिस तरह से कि आपने श्री कृष्ण को देखा है. और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य खंडों में किया है ना, कविताओं में किया है. तो ऐसे ही क्या है ये भी जो पाठ है इसमें इसका अनारको का नटखटपन दिखाया गया है. जैसे भक्त कवि सूरदास जी थे, उनके बारे में आप जानते हो, वो जन्मांध थे यानी कि जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने क्या है अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल क्रियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है. यानी कि बचपन पर आधारित जो उसकी क्रियाएँ थीं, जो बचपन में जो बच्चे होते हैं, जो बचपन होता है स्टूडेंट वो स्लेट न समझने, एक स्लेट की तरह होता है जो लिख दिया और जैसे जैसे बड़े होते हो तो वो इरेज होता जाता है स्टूडेंट. और इसमें जो बचपन का जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान होता है उस पर बल दिया गया है. और अब उसकी कैसी लैंग्वेज होती है बच्चे की, उस बारे में यह पार्ट है. तो स्टूडेंट ये मैं आपको शॉर्ट रूप में बताऊंगी, आप इसको रीड करोगे स्टूडेंट. इसमें क्या है कि अनारको नाम की लड़की है, वो सुबह सुबह जल्दी उठती है. जब उसे पता चलता है कि पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो अपने पापा से पूछने जाती है कि प्रधानमंत्री कौन होता है, क्योंकि वो छोटी है उसे कुछ पता नहीं है. तो स्टूडेंट आपको तो पता है ना कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जैसे अब फिलहाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. स्टूडेंट ऐसे वो पूछती है कि प्रधानमंत्री कौन है, तो पापा बताते हैं कि जो मतलब भारत देश का जो होता है पूरा शासन चलाता है वो है प्रधानमंत्री. तो फिर आगे उसके सवाल बढ़ते ही जाते हैं, ये क्यों आ रहा है. तो पापा कहते हैं इसको इसने ही पैसे दिए बनाने के. तो फिर आगे उसके सवाल होते हैं कि इसने पैसे क्यों दिए हैं, बनाने वाले तो कोई और थे, मैंने तो किसी और ने की थी. ऐसे ही सवालों से इसके पापा परेशान हो जाते हैं और ऐसे बातें करते करते इसके उसको बोलते हैं कि जलाकर बोलते हैं कि आप अपनी पढ़ाई करो. तो अनार को जैसे ही बैग खोलती है, कुछ समय बाद उसके स्कूल का टाइम हो जाता है और उसकी बस आ जाती है. तो वह स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल में चली जाती है. स्कूल में आगे उसको अपना दोस्त एक किकू दोस्त मिलता है और किकू से फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं. इसके बारे में फिर वो अपने दोस्त से पूछने लग जाती है. सभी कक्षा में चले जाते हैं और कक्षा में पीरियड लगने उनके स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे आपके पीरियड लगते हैं ना, मैथ का, हिंदी का, साइंस का, इस तरह से पीरियड स्टार्ट होते हैं. फिर ड्राइंग का पीरियड आता है. तो ड्राइंग के पीरियड में वो अलग अलग अपनी चित्रकारी करते हैं. लेकिन उसके मन में जो अनारको, उसके मन में एक ही सवाल उठता रहता है कि प्रधानमंत्री कौन है, वो क्यों आ रहे हैं, कैसे हैं, ऐसे. तो फिर वो अपने जो सामाजिक ज्ञान के यानी SST को जो टीचर है उससे पूछती हैं कि प्रधानमंत्री को क्या मेरा नाम पता है. मतलब उसके अटपटे सवाल होते हैं, हर जगह ही पूछती हैं. तो उसका उसको ढंग से जवाब भी नहीं मिलता कि क्योंकि वो सवाल ही ऐसे करती है. तो टीचर क्या कहे, तो फिर वो पढ़ने लग जाती है. थोड़ी देर में क्या होता है कि बाहर गेट पे जो घंटे बजाने वाले दादा आते हैं और वो उनको सूचना देते हैं. उन्हें पता चलता है कि प्रधानमंत्री किसी कारण से नहीं आ रहे हैं. तो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, घंटे बजती है और सारे बच्चे क्या है अपने घर चले जाते हैं. लेकिन आर को अपने मन ही मन में सोचती रहती है कि प्रधानमंत्री कैसे कार में आएगा, कैसे उसके पास कारें होंगी, किस तरह का वो होगा, वो क्यों आ रहा है. ये मन में उसके सवाल उसको विचलित करते रहते हैं.
और उसका मन इस बात पे अटका रहता है। जब आप ये लेसन रीड करोगे स्टूडेंट तो पता चल जाएगा। नीचे स्टूडेंट आपको क्रम वाइज लिखने हैं, ये जो दिए गए हैं क्रम लगाने हैं कि पहली पंक्ति कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे ये प्रश्न दिए गए उनके उत्तर फिल करने हैं। जब आप लेसन रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे भी ये क्वेश्चन है कुछ। नेक्स्ट स्टूडेंट अब है संज्ञा के विकार। संज्ञा के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का परिवर्तन किस कारण होता है? लिंग, वचन और कारक के कारण। तो हम पहले यहाँ पे लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग आपने पिछली कक्षा में देखा है, लिंग दो प्रकार के होते हैं जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे चित्र दिए गए ना, लड़का और लड़की, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन भी दी गई है, पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग। ऐसे ही क्या है, इसके कुछ नियम हैं, जैसे चांद चमक रहा है, मैंने इडली खाई, सेब टोकरी में रखा है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिंग की पहचान उनके साथ लगे विशेषण क्रिया शब्दों से होती है, जैसे खाई, जो काला कह रहा है ना, खाई, रखा, गिर गई, इससे होती है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे अमरूद मीठा, अमरूद पुल्लिंग है, छोटी साई किलो, तो ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से स्टूडेंट आप जब रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पुल्लिंग इधर क्या है, पुल्लिंग में दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा पुल्लिंग में क्या आता है। और स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, आगे शरीर के अन्य अंगों के नाम इत्यादि। नीचे स्टूडेंट क्या है, ता के स्थान पर त्री का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाना, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, और इधर इन्हीं प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, हंस का हंसिनी, मति और वती जोड़कर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती। ऐसे ही अनेक जिनके परिवर्तन कोई विशेष नियम लागू नहीं होता नीचे जो दिया गया है उसमें सीधा ही, जैसे वर का वधु, बादशाह का बेगम, युवक का युवती इत्यादि जो दिए गए, आप ये रीड करोगे और लर्न करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें क्या कुछ संज्ञा शब्द है जो पुरुष जाति के लिए दिए गए हैं, ये सारे पुल्लिंग है। और ऐसे ही कुछ शब्द मुख्य रूप से एक लिंग के माने जाते हैं, एक लिंग यानी कि जो स्त्रीलिंग होती है, बाघ है, जैसे खरगोश है, ये पुल्लिंग है, बाघ और खरगोश पुल्लिंग है, मक्खी और तितली स्त्रीलिंग। ऐसे ही आप ये रीड करोगे तो स्टूडेंट आपको समझ आएगा जब ये लेसन रीड करोगे कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। नीचे स्टूडेंट अभ्यास दो में क्या है, नीचे दिया गया है जो अंडरलाइन किया गया है, जैसे खीरा, ये पुल्लिंग है, ये आपको चूज करके लिखना है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम है, कौन से पुल्लिंग और कौन से स्त्रीलिंग है, वो आप मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं। ऐसे ही स्टूडेंट पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, नर बाघ मादा, बाघ नर खरगोश मादा खरगोश, इसी तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट है वचन। वचन भी आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन, यानी एक या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो क्या होते हैं, वो वचन कहलाते हैं। ये मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी उसमें आपको वचन क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन और वचन के बारे में बताऊंगी स्टूडेंट। वैसे आप पिछली कक्षा में कर चुके हो तो इतना आप अच्छे से रीड करोगे, लर्न करोगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।